नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के पुलटोली इलाके की। बता दें कि इस इलाके में रेलवे द्वारा पूरे इलाके को जो है खाली करवाया जा रहा है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग थे यहाँ पे कई वर्षों से वह लोग जो है आज बेघर हो गए। हालांकि इन्हें नोटिस दिया गया लेकिन इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरह से मायूसी है। घर का जो सामान है वह पूरी तरह से रोड पर रखना पड़ रहा है और इन लोगों को जो है उन लोगों का जो घर है वह पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। लगभग यहाँ लाला लाजपत स्कूल लोकेशन कह सकते हैं या ओवर ब्रिज कह सकते हैं हनुमान मंदिर से लेकर पुलटोली तक यह जो है घरों को उजाड़ने का काम चल रहा है। यह रेलवे द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं घरों कई लोग जो है अभी तक अब तक जो है घरों से सामान खाली नहीं कर सके हैं और यह लोग जो है खाली करने का काम लगातार जो है कर रहे हैं। रोड के इस पार भी आप देख सकते हैं यह लाला लाजपत स्कूल था पुराना और यहाँ जो है पंजाबी हिंदू बिरादरी पंजाबी भवन का दृश्य है। कई घर जो है लगभग इस इलाके में मोटा मोटी सौ से कितना घर हो गए यहाँ पे है? आप लोग स्थानीय हैं कि विभाग से हैं? आप लोग स्थानीय हैं कि विभाग से हैं? नोटिस तो दिया था, परेशानी हो रही है। नोटिस दिया फिर चला गया, फिर तोड़ा नहीं, फिर उसके बाद दोबारा कल आया बोला मैक्सर तोड़ना चालू कर दिया अचानक। कई लोग देख रहे हैं घर खाली नहीं किए हैं, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? आप है यहीं के हैं? वो तो चलाते हैं। अच्छा, लग रहा है कि बेघर कर दिया गया, पहले घर देना चाहिए था। जबकि संजय सेठ सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक सभी लोग यहाँ। कितने सालों से थे आप लोग यहाँ पे मोटा मोटा? लगभग 70-80 साल से। घर मिला आप लोग को? कुछ नहीं। अभी कहाँ रहिएगा फिर? जैसे भी कोरोना सब लोग मर रहे हैं, कोरोना आने वाला है, कोई घर नहीं दे रहा भाड़ा में। हाँ, और प्लस ठंड का दिन भी है, ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे रोड में रह के मरेंगे क्या करेंगे। क्या नाम है? राजस्थान। कौन सा इलाका है, क्या कहते हैं ये वाला मोहल्ला? नियर ओवरब्रिज कहते हैं। नियर ओवरब्रिज पुलटोली के बगल में कह सकते हैं। पुलटोली है ये। हाँ, देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कई घर जो है लगातार तोड़े जा रहे हैं और यहाँ से सामान भी हटाया जा रहा है। हालांकि जो है जो पुलिस के प्रशासन के जो लोग हैं वह उनकी मदद कर रहे हैं। अचानक हटा दिया आप लोगों की? बताया भी थोड़ा बताइएगा। नहीं तो फिर कल नोटिस तो दिया था ना पहले आप लोग को, बताइए ना जरा सा। हम लोग क्या बताएं? जो हम लोग नहीं बचाएगा, ना मीडिया बचाएगा, ना सरकार बचाएगा, ना रेलवे बचाएगा। इतना दिन से हमने करे कोई फायदा नहीं है, ना हम लोग भाग कर देते कोई फायदा। इसीलिए जो लोग तोड़ रहा है वही लोग जाके जो तोड़ रहा है उसी से तोड़ रहा है, किस बात के लिए तोड़ रहा है? वही लोग वो लोगों को रोड बड़ा करना है, फ्लैट बनाना है, फ्लैट बनेगा यहाँ पे। गरीब लोग का क्या बोलना, गरीब लोग का तोड़ के लोग को अच्छा लग रहा है। सरकार को जमीन से मतलब है, पब्लिक से मतलब नहीं है। पब्लिक वोट नहीं देती है ना सरकार को, सरकार को जमीन वोट देती है, इसलिए सरकार अपने अपने ऊपर खड़ा है, बस यही से। अभी कहाँ रहिएगा आप लोग इस ठंड में? कहाँ रहेंगे आप ही बताइए, रहेंगे रोड पे? अच्छा, जो सामान है मान लीजिए आप लोग रोड पे रखे हुए हैं, अभी तो परेशानी होगी। परेशानी तो हो रहा है ना सरकार, क्या ठंडा में कहाँ जाएंगे? ठंडा में भी आदमी कहाँ जाएगा? कम से कम ठंडा में रोक देता, कहाँ जाएंगे इतना जल्दी? किसी का तबियत खराब है तब अच्छा बोला गया था कि पहले की घर पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा आप लोगों को पहले। ये तकलीफ है, देख सकते हैं कि लोगों में आक्रोश भी है। जन प्रतिनिधि लोग जो नेता लोग आता है भाषण देके चल जाता है, लगता है कोई काम का है?
पानी रखने पिए और हम लोग सामान के चलते परेशान। तो कब आप लोगों को बोला खाली खाली करने? अब कल बोलिएगा, हम लोग को कहाँ मिलेगा रेंट? हम लोग उतना कमाई है जो हम लोग रेंट लेंगे, बताइए, ये बताइए पहले। हम लोग का कमाई उतना नहीं है कि हम लोग 7,000-6,000 दे के रेंट ले सकते हैं। छोटा छोटा बच्चा को स्कूल हम लोग प्राइवेट में नहीं पढ़ाते, सरकारी स्कूल में पढ़ाते। क्या बोलकर खाली कराएंगे? क्या बोले? बोले कि खाली कर दो बस। तो आप लोग नहीं बोले कि 70 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत हम लोग, आज हम लोग इतना बड़ा हो गया, हम लोग का बुजुर्गों चल गए, दीवार में रहना, हम लोग तो बेघर हो गए। छत है, खाने के लिए कुछ है, कहाँ जाएंगे आज हम लोग? वोटर आईडी कार्ड है आप लोग के पास? वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, कार्ड नहीं बनवाए, नहीं बनवाए। कई लोगों के पास तो होगा, होगा किसी के पास। वोट देते हैं, मतलब आसपास का लोग तो वोट देता होगा। आप कौन देगा वोट? ऐसे करेंगे कोई नहीं देगा। कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए? सरकार का मतलब क्या होता है? व्यवस्था दिया जाए, क्या व्यवस्था दे रहे हम लोग को? तो कुछ व्यवस्था नहीं दे रहे, सड़क पे अभी सामान निकाल के रखे हुए, कहाँ जाएंगे अभी हम लोग? ना कहीं अभी रेंट में हम लोग घर उर भी कुछ ले ढूंढे हैं अभी हम। दर्द जो है साफ साफ झलक रहा है, हम लोग क्या ऊपर, हम ही लोग क्या पतला रोड में सो जाते हैं? कोरोना से तो ऐसे मर ही रहे हैं गरीब आदमी, अब क्या करेंगे? गरीबी से भी मर जाएंगे, न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए कुछ है।